का कर रहे हैं? भूत लागत। हाँ कहाँ कहाँ हुआ ना जाओ। अच्छा तो माता जी जब यहाँ खुदाई हो रही थी तो क्या निकला था? कंकाल निकला था। हाँ वो का कहते नहीं एमा निकरते रहे बड्डे मूड निकरत रहे। अच्छा हाँ एक पंजाब के यही आवा रहा। हाँ कहे हमारे तो वो दिखात है एक चुराए दिखाती मैं कहा हाँ चूतिया नहीं तो वो तो चुराए तोरे पास माँ बैठी। हाँ 18 साल की उम्र में माता जी संन्यास ले ली हैं और उसी उम्र से माता जी इसी पहाड़ में रह रही हैं। अकेले अकेला हुआ है। यहाँ काफी जंगली जानवर आ जाते हैं। बहुत आवत है। एक बार हमारा बढ़िया वह चाटत रही है पांव। अच्छा तो हम कहा दूर रे। हाँ। जो दूर रे कहा तो नव दूते आ रही। दोस्तों मैं रितेश चितकुट लाइफ यूट्यूब चैनल से। जैसे कि दोस्तों आप पुण्य दिन नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं। दोस्तों आज हम इसी कड़ी में चित्रकूट से 20 किलोमीटर दूर आए हुए हैं और यहीं पे ऊपर पहाड़ की चोटी में माता जी का आश्रम है। तो आइए चलते हैं माता जी तक, राशन पानी पहुंचाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, काफ़ी धूप भी है, लेके चलेंगे, देखते हैं माता जी हैं कि नहीं। आइए चलें। और ये दाता जी का आश्रम है, ये देखिए एक बार दिखा दीजिए। ये कुटिया है, इसमें माता जी रहती हैं। अभी चलेंगे, थोड़ी आराम कर लें, काफ़ी तेज धूप भी है। यहाँ माता जी देखिए छानी बनाई हुई है बैठने के लिए। अभी बैठते हैं फिर चलते हैं माता जी के दर्शन। देख सकते हैं माता जी की कुटिया है एक तो, यहाँ पर माता जी खाना पीना बनाती हैं अपना। ये देखिए चूल्हा रखा हुआ है, एक तो बाहर भी चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए चूल्हा है, खाने पीने का सामान यहीं पर बनता है माता जी का। और ये माता जी की कुटिया है, यहाँ पे बैठने के लिए छोटी सी माता जी छाया बनाई हुई है। ये देखिए देखिए ये माता जी का आश्रम है, छोटा सा पहाड़ के ऊपर बिल्कुल से। ये देखिए जंगल है, पूरा पहाड़ है। ये देखिए सीताराम माता जी, बहुत गर्मी है माता जी। अरे तो कहे घाम है, मैं परेशान हूँ। अरे माता जी हम उधर से आए थे, हमने कहा चलिए माता जी के पास हो लेते हैं। माता जी के पास आश्रम, बड़ा तेज पत्थर गला हुआ है। बंदगी दाता जी दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए यहाँ पे चलते हैं माता जी की इस कुटिया में, यहाँ पे बैठ के माता जी का सत्संग लेते हैं। आइए चले। आइए दोस्तों माता जी, वहाँ तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी, यहाँ तो थोड़ी ठीक है। आजा दोस्तों माता जी की कुटिया है। माता जी पन्नी उन्नी आपकी पूरी फट गई है, पूरी देखिए चिथड़े चिथड़े हो गए हैं, धूप में है माता जी फट गई पूरी। हाँ हवा में, धूप में, धूप में पूरी खराब हो जाती है। महाराज जी वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही तो कैसे आप वहाँ रह लेते हैं? अब का करिए, अब तपेस तो बहुत जबर हुआ था। जी जी अब ये देखिए पहाड़ के ऊपर दोस्तों, अरे यहाँ निकल जाओ पहाड़ के ऊपर आ जाओ, इतनी गर्मी है बहुत ज्यादा, पेड़ भी नहीं है यहाँ पे कोई बड़े, कुछ नहीं, ऐसे निकल जाओ, है ऐसे निकल जाओ, पूरी देखिए गिरावना चुपके से निकल जाओ, आ जाओ बैठ जाओ उधर। हुआ छोट हुआ नहीं रहता है, ये को बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। माता जी इतनी गर्मी में आप उस कुटिया में रहती हैं तो कैसे रह लेती हैं माता जी? अब तपेस्या बड़ी जबर होती ना, तपेस्या महमूली है। हम तो माता जी ज्यादा या शरीर कहनी कोई मोह नहीं है, जेदा ध्यान करके बैठो। हाँ ओदा कोई न गर्मी है न ठंडी है न कुछ है। जी जी हाँ इतना है माता जी, हम तो वहाँ से हमें एक भी रहाइश नहीं हुई। तो मैं नहीं रहाइश, हमें हुआ इतना बढ़िया आराम रहा है, कुछ कहा कर नहीं। अच्छा अब वो तो इतनी बिल्कुल लाल है हो जाती इस तरह की, ऐसा है लाल हो जाए, तुम्हें गर्मी लागी जी, और हमें हुआ बड़ा आराम रहा था। अच्छा वहाँ तो इतना पत्थर तपा हुआ है कुटिया की, वहाँ पे एक मिनट बैठना भी आसान नहीं, बहुत गर्मी है। तब ऐसा बड़ी जबर होती, हम कपड़ा ओढ़ के पौड़ी थी, कपड़ा ओढ़ के, इतनी गर्मी माता जी।
ये माता जी कैसी तपस्या है? यह तपस्या जो है शीलता हो जाती। अच्छा। शरीर जेदार मालिक के ध्यान में रही है तो लागत दहारा भरी जी अंदर। हाँ। वह मतलब है उसमें ठंडी गर्मी से कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। गर्मी का तो कोई है ना, कर ठंडी में गर्मी आई। हाँ। गर्मी में ठंडी आई। अच्छा। हाँ वह तपस्या है और है अंदर, को पहचानन नहीं। जी जी हाँ सब कुछ अंदर से, सब कुछ अंदर है। त्याग तपस्या महमूली ना हो। बिल्कुल सही बात है, सब कोई नहीं कर सकता। अब बालेपन से आपा जिंदगी खो डारा, जी अब आगे बुढ़ाई है ना, बिल्कुल। तो महमूली थोड़ी है। अच्छा माता जी क्या उम्र रही होगी आपकी? हमारी उम्र रही होई 18-18 में हम निकले। अच्छा 18 साल उम्र रही होगी। दोस्तों 18 साल से माता जी तपस्या हाँ। कर रही हैं। माता जी हुआ गवा है, श्रीरामपुर गवा है। जी जी हाँ पहले चारू धाम घूमा है। एका कहते हमार मिल गहिया नायक या हनुमान धारा है, हाँ। तो एक ठैया एता बुद्धि मूर्ति रहा, तो तकमा पहने रहे। हम कहा माता जी ये तकमा कहाँ पा गए, तो कहे हैं वह शिवरामपुर है, ओके ऊपर पहाड़ है, वहाँ एक दाता जी बैठी हैं जनाना संता है। तो मैं कहा हमें भेद दिया हुआ, तो फिर उनके लगे से फिर वही द्वारा हम गवाह। 18 साल की उम्र में माता जी संन्यास ले ली हैं और उसी उम्र से माता जी इसी पहाड़ में रह रही हैं। अकेले अकेले। अठियन जो आम लगाए हैं अपने हाँ। हाथे से लगाए अच्छा सवारी वो से। महाराज माता हाँ जी आम सवारी संन्यास। से खन खन के, अरे नीरा टिकुरी आ रहा है। अच्छा। हाँ इसे माता जी आप ही बराबर की हैं क्या पूरा? अपने से सवारी खन खन के। अच्छा बहुत मेहनत की हैं आप। बहुत मेहनत, अब हमार मेहनत तब दाता जाना थे जब तक मेहनत की। अच्छा माता जी इतनी धूप होती है गर्मी में तो इस कुटिया का ठंडी में निर्माण हुआ है? हाँ हाँ गर्मी में है। गर्मी में निर्माण हुआ है आपकी, मतलब एक भी खिड़की नहीं है आपकी कुटिया में? एक तो खिड़की हम ही जान के नहीं रखा। हमका कोई एक खिड़की रखाओ तो गद्याल है, गुंडा है, अरे केहू के कौन का जाने भक्ति का सही जीव का है ना। और जो भक्ति का जीव हो वह जाने की हाँ तपस्या ऐसी चीज होती बिल्कुल है सही ना। बात है। तो फिर हम नहीं रखे ना है, जो जैसा शाम के वह हो गए ना, तो हाँ वह पटिया में पौधे रहती, अब अच्छा तो फिर केमारा खुला रहते, तो फिर बढ़िया सो ले। बिल्कुल यही खिता कहते कि पन्नी लाग जा ना हाँ। तो आराम आ जाता। माता जी पन्नी की हम आपको व्यवस्था करवा देंगे तो हाँ आपकी कुटिया के भी हो जाएगा, रसोई के लिए भी हो जाएगा। ये बस भी बस माता जी आपकी कुटिया पूरी बस। से फाट चुकी है पन्नी, हाँ यह फाट के तो ये माता जी दर यहीं पे भोजन बनता है आपका, यही ठिया बना करते। इसी चूल्हे में भोजन प्रसादी बनती है। माता जी बच्चे? ये बच्चे तो अब आए हैं, अच्छा आ अच्छा जाए हैं अच्छा आ जाते हैं तो यहीं पे रहते हैं, अभी आए हैं अंगन मऊ के आगू से आए हैं। मऊ के आगू से आए हैं हाँ इतना हाँ दूर से गर्मी में? गर्मी से आए हैं, अच्छा दोपहर दोपहर ही आए हैं, खाना हाँ खाए नहीं आराम आ करे लाग। जी। ते लड़कों कहते कहते वीडियो वाले आए हैं, तो यह जाना था यह हमरे लगे रहा था हाँ छोटे से, पहले अच्छा यह रह रहा अच्छा अच्छा बच्चा नहीं जियत रहे। कहे महतारी के कहा एक एक हाँ गादी में बार जाम जा, जो कहे औलाद चल जाए, अध्ययन नहीं कहे अच्छा। इनकी माता जी को लोग कहते थे? हाँ इनके अम्मा का कहा। हाँ तो हम कहते बोला ला हमरे लगे, त्याग तो पैसा महमूली ना, जबने में हाथ डा दिया तो वह मालिक पूरा, फेरे के बाद यह भय है। अच्छा लड़की भी हुई, हाँ फिर फेरे के बाद यह के बाद तीनों जने आए, तीन आपके आशीर्वाद से 3 बच्चे हुए हैं। बच्चे भी। हम कहा मानव आप बंद दे, हाँ तुम्हार मनोकामना पूर कई दिन दाता, और जो मकान ना मानिया तो तुम्हारी बिटिया हो, यह आशीर्वाद ले। तो नहीं माने दो बिटिया कही होगी आशीर्वाद मतलब कभी खाली नहीं जाता है तो माता जी ये आपके पास ही रहता है क्या यह बच्चा? हरदम रहत है। अच्छा तो शिष्य बना ली है क्या माता जी इसे? तक अच्छा मैं पहरे अच्छा अभी बालपन से संत हो गया है तो आपकी सेवा में रहता है? हाँ यह हरदम हमारा गोड़ हाथ मीजर अच्छा, तो यहीं पे कहीं रहता है, तो अब आए। यहाँ भी यहाँ ये पहले मानो मत... पानी नहीं रहा तो यह सेवा कैसी, छोटे से अच्छा कट्टी से भर भर ले आवत नीचे से रहा। पानी। अब दाता है तो पानी दे दिए, पानी की व्यवस्था हो गया। पानी की व्यवस्था हो अब गई वो है। जो कमरा है उसके भीतर से हम खाना खाना के ले आन के बिल पाइप लदा। हाँ अब वही ओ महने हाँ सबल से बुढ़ हुआ डबावा।
को 1 रुपया चढ़ा जाए वही सांप बीसी है धर ले ओका चुप्पे ओका पंथ में लगाई थी स्थान में कि जब वह के बने हमारा बने बिल्कुल है ना सही बात यह हमारा फर्ज है सही बिल्कुल आश्रम का पैसा आश्रम में लग रहा है और जितने मतलब श्रद्धालु भी आते हैं उनको भी तो फिर भोजन प्रसाद की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब भक्त आते होंगे माता जी आप भंडारा वंडारा भी हाँ, करती भंडारा हुआ था तो फिर वो ओके आंबे तरे भट्टा हुआ बना है पत्थरा के भट्टा अच्छा तो वही ठीक कराहा चढ़ाते थे वही कराहा चढ़ाते हैं अच्छा छोट मोट भट्ट फिर वो ऊंचा धरे हैं तो बना लेते चाहे जाऊं फिर वहीं पे हो जाता है। माता जी जब आप आई रही होंगी तो जंगल तो और भी साल रहा होगा। अरे बहुत तगड़ा इंता रहा है ये महाने की नीतियां बढ़िया शेर करा सब आवत रहे सब आता हाँ अब वो आवत है कहा कहते सुअरा बन सुअरा इधर माता जी इधर आ जाते हैं हाँ यहाँ तक आवत है तो हम लाइट लगवाए हैं नहीं हम लगवाए हैं कि अच्छा। न आवे रोशनी देख के नहीं आते हाँ हाँ रोशनी में रात देख सकते हैं दोस्तों उधर पूरा जंगल है पूरा जंगल से लगा हुआ है पहाड़ के ऊपर तो हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन पूरा वहां से लगा हुआ है यहाँ काफी जंगली जानवर आ जाते हैं बहुत आवते एक बार हमारा बाणिया वह चाटत रही है पांव अच्छा तो हम कहा दूर रे हाँ। जो दूर रे कहा तो वो नव दू तैयार ली तो हम कहा रा कौन जीव आए अब अकेले रहा हम कम दो चार जने अब तो जीव आवे लाग ही मराई अब तो भक्त आने लगे हैं कुछ कोई ना कोई आ जाता है। माता जी उस उम्र में बाल अवस्था में आपको डर नहीं लगता था इतनी विशाल जंगल में? डर ही अब ये जीवन कहानी अर्पण करना है और सदगुरु हमार बचाने वाला अंदर बैठा है कहा थे देखा ते है मोर संया कर्म है ना दूरी हो तो मैं कर्म छिपाऊं और संया तो बैठे कंधैया है ना बैठे ना कंधैया वो एक एक रोटी का लेखा ले रहे हैं सही बात जो ये जीव जाई तो वो एक एक रोटी का लेखा ले एक एक मतलब सब कुछ हाँ वहां हिसाब एक एक रोटी का लेखा हम बैठन हाँ। उनका कलम चल रहे बिल्कुल चल रहा अब सब के पास में बैठा वो कई दा उतरत है जो दा डोल डाल जाई वो दा फैले हो जाई है पानी छुई हो फिर आके कंधे में बैठ चित और गोपित 24 घंटा रहा जीव के पास है ना तब महमूली थोड़ी यार तो वो सब बैठो दाता हरे हमा बना कहत हैं दाता है देखते हैं सब सैया करम मोरे देखते हैं सब सैया करम मोरे दूरी हो तो मैं करम छिपाऊं दूरी हो तो मैं करम छिपाऊं सैया तो बैठे कंधैया करम मोरे देखते हैं सब सैया करम मोरे रोम रोम अनुरागे उठतू है रोम 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 अनुराग कहा उठत है जैसा सोवा लागे तो कुजाई कमने लोक जीव चा जाते घूमत रहते है ना बिल्कुल रो अब जब आवा थे अब सुबेरे सहनी दो तीन ठे आई कहती हैं बच्चा नहीं है यहाँ से गोलियर तक का जीव आवत है बच्चा नहीं है जौने में हाथ लाग गए तो वह मालिक दे दिया का कह रहे हैं भूत लागत हाँ कहाँ कहाँ हुआ ना जाओ अच्छा तो माता जी जब यहाँ खुदाई हो रही थी तो क्या निकला था कंकाल निकला था हाँ वो का कहते नहीं ये मार निकलते रहे बड्डे मूड निकलत रहे अच्छा हाँ और सात पैर लगावा है सातू महानी खोल खाई धोई जाते रहा गाड़त रहे हैं हाँ गाड़ देते रहे तो आदमी यहाँ आने के लिए डरता रहा होगा डरात रहा है गए कहीं डरात रहे तो हमरे रहे रहे आई जनता को तरे तरे टिक गए हाँ। टिक गए पहले जहाँ मतलब लोग आने के लिए डरते थे तब वहाँ रात में भी रुकते हैं हाँ, रात डर अब खत्म हो गया अब वही अब नान नान बच्चा ये रहा ये तो रात और दिन चलत आवत जाते ऐसे मतलब नहीं। कभी किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं लगा कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं डरा
एठ पंजाब के हिताय आवा रहा हाँ। हमारे तो वह दिखात है एठ चुराएल दिखाती मका हट चूतिया नहीं तो वो तो चुराएल तोरे पास माँ बैठी तो मका वह चुराएल या तो ही डरुआवत अच्छा मका वो चुराएल उराएल ही है नहीं है कुछ फिर चिंता न कर तो वो चुराएल ही है दिखाई तो फिर सही हो गया फिर नहीं दिख रही थी लकड़िया रखी रही है एठो लकड़िया मैं कहो देख ले लकड़िया धारी है फिर ये दिखावेगा फिर मैं दिखाओ का शंका मिटावेगा अच्छा पंजा हाँ भाई कर अच्छा रात में ही रुके थे क्या हाँ रात में दो तीन रो रहा है अच्छा सेवाकार अच्छा तो कह तो चुड़ैल बैठी है ये चुड़ैल बैठी दाता मैं कहाँ के चुड़ैल ये चुड़ैल कहाँ रही लकड़ी या रही तो वो जान के वो काका थे लुका दीने रहे लकड़ी में एक तो गद्याल जो जैसा को न रहा ना हम भीतर घुसे हैं तो माल ले जाते लकड़ी अच्छा तो लकड़ी लुका दी रहे तो है के देख ले लकड़ी लुका दीन तो वो कलू कलू ने दिखाई उन ता मड़ाई हस बैठ रही तो वो ही मुकाईती या का तो गा होई पे साब साब करे तो कहते दाता चुराएल मका कहां तो ही चुराएल बैठ रे फिर तुम दिखाने गए थे हम कहा देख ये लकड़ी यार ठीक है भाई का भूत है ना माता भाई का भूत है अब भाई में डर जाते हैं लोग भाई माहनी इंसान डर जाता है सही। नहीं कहाँ है ही अब भूत कहाँ है सही है पांच भूत का शरीर लिए फिरा था सही बात नहीं है पंच भूत का डेरा सही नहीं डेरा हो जाए हम लोगों को जो डर जाते हैं उनका भय मिटाना बहुत जरूरी होता है। हाँ भैया वही भय आए एक से एक सकरम बंध बंधावत है हमरे लगे अच्छा अच्छा तो वह का हटा दे थी हाँ भय हट गए तो वो का बीमारी पटा गए सही है न पटा गए हाँ बहुत लोग कहते हैं कि हमको सपने में ये दिखता है कोई हमारे ऊपर बैठा रहता है तो का बतावा जाते उपाय बताती होंगी आप उपाय बता दें जैसे 20-20 साल की 10-10 साल की जमने के बच्चा नहीं हुआ था हाँ हाँ। सब आते हैं ना यहाँ से गोलियर तक का आवत अच्छा अच्छा तो आप फिर उनको उपाय बताते हैं सही हो जाए उपाय बतावा नहीं खरीदे उनके बच्चा आवा ना हियाँ पांच छठ मेहरा रहे अनाथ घूमत रही हैं एठ बिटिया 20 साल हो गए रहे इतना जीव निकार देते रहे पटाख से गिरर रहे और फेसकुर दे रहे मिर्गी टाइप हाँ। तो वहाँ डर कहाई भवानी आया अच्छा अच्छा तो वहाँ का ठीक का दिन है फिर वह का यही तयावर रहा ये तो साधु मका लै जाइये बिटिया का ब्याह लै जा तो वह हमारा चोला नहीं छोड़ा रही वह टोला के दिया तो मैं जा तो दाता के लगे मैं दाता ठीक करी है और सही दाता ठीक कर दी है सही उसे विश्वास हो गया विश्वास हो गया फिर वह का ब्याह करवा दें और फिर वह का दवाई दे दें दवा दवा दे दिन हले ओके बच्चा होएगा बड़ा के बेटवा है ओके अब तो आते होंगे महाराज जी आए मराई जाऊं नहीं जाना था तुम वो नहीं चीन हता आ जाने के भाव भक्ति की हमार अब देख ले ये जीवा ही अपना ही कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे हैं लेकिन आ जाते हैं दाता के पास बच्चा है अब देख ले जीव नहीं छोड़ा ता है तो इनके भाव भक्ति है सही तब तो आई नहीं छोड़ा ता है बिल्कुल तो वो मतलब है ठीक है दाता आयन बंदगी आयन बंदगी दाता आयन बंदगी सरकार की सतगुरु दीन दयाल की जय सब हंसन की जय सब अवधूतन की जय सब संतन की जय दाता।